2007 के बाद योशिहितो सुई के माइंड में सुसाइड करने की इच्छा पैदा होने लग गई थी। 2009 सितंबर 11 योशिहितो सुई हाइकिंग के लिए गई। बाद में योशिहितो सुई जब वापस घर रहा आए तो उनकी फैमिली ने पुलिस रिपोर्ट कर दी थी। एक हफ्ते बाद सितंबर 19, 2009 में पुलिस को एक डेड बॉडी मिली जो कि योशिहितो सुई की थी, यानी शिनचैन के क्रिएटर की। योशिहितो सुई के डेड बॉडी के पास उनका एक डिजिटल कैमरा भी था जिसमें से मेमोरी कार्ड को निकालकर फोटोग्राफ्स को चेक किया गया था। थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को पता लगा कि उनके पड़ोसी में से एक लेडी है। उसने पुलिस को बताया कि जब वह एक दिन घर के बाहर जा रही थी तो उन्होंने योशिहितो सुई के घर से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई थी। एक लेडी मोबाइल के ऊपर बातें कर रही थी एंड वह बातें कर रही थी व्हाट आई माई डू इफ ही किल्स हिमसेल्फ। मतलब उसका कहना था कि योशिहितो सुई अपने आप को मारना चाहते थे, सुसाइड करना चाहते थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेयोन शिनचैन के क्रिएटर योशिहितो सुई की डेथ के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप शिनचैन के फैन हैं तो। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग नाउ बिगिन द वीडियो। सितंबर 11, 2009 में योशिहितो सुई ने हैकिंग के लिए जाने का प्लान किया। नेक्स्ट मॉर्निंग तक जब वह घर वापस ना पहुंचे तो उनकी फैमिली ने पुलिस रिपोर्ट लिखवा दी कि वह मिस हैं, वह अभी तक घर वापस नहीं आए। सितंबर 19, 2009 में पुलिस को पता चला कि योशिहितो सुई का पैर फ्लिप हो गया था माउंटेन रेंज से एंड वह ऊपर से नीचे गिर गए थे जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। बट क्या रियली उनका पैर फ्लिप हुआ था या फिर उन्होंने सुसाइड की थी? योशिहितो सुई की डेथ के बाद सुमिशी एलन जो कि एक जापानीज मंगाका हैं, उन्होंने बताया कि योशिहितो सुई का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वह एक कॉमेडियन बिहेवियर वाले थे लाइक शिनचैन। एंड गाइस, उन्होंने ये भी बताया कि 2007 के बाद योशिहितो सुई का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया था। वह इमोशनल स्ट्रेस में रहने लग गए थे एंड इसीलिए उन्होंने शिनचैन में टेररिज्म, अल्कोहलिज्म और डेथ के रिकॉर्डिंग्स कुछ थीम्स को यूज़ भी किया था। उनका मानना था कि योशिहितो सुई में सुसाइड करने की एक भावना पैदा हो गई थी। थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको एक नेबरहुड आकर कहता है कि योशिहितो सुई के घर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी एक दिन एंड एक लेडी मोबाइल के ऊपर बातें कर रही थी व्हाट एम आई डू इफ ही किल्स हिमसेल्फ। मतलब योशिहितो सुई सुसाइड करना चाहते थे। वेट गाइस, एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, मेरा मेक वापस आ गया है एंड तो अभी अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। योशिहितो सुई की डेड बॉडी के पास पुलिस को मिला था एक डिजिटल कैमरा एंड उस डिजिटल कैमरा में जब चेक किया गया तो यार उसमें से एक मेमोरी कार्ड था, उसमें से फोटोग्राफ्स को चेक किया गया था एंड पुलिस का मानना है कि योशिहितो सुई की डेथ हुई थी उस फोटोज़ को खींचते खींचते। उनका पैर एक्सीडेंटली फ्लिप हुआ था उस पहाड़ी से एंड वह नीचे गिर गए थे। एंड गाइस, बाकी बातों को भूल जाइए कि उन्होंने सुसाइड की थी, क्योंकि ये वाली बातें फेक हैं, बिल्कुल ही शिनचैन के लास्ट एपिसोड की तरह हैं जो पहले वायरल हुआ था। सो इन बातों को मत मानिए, यह बात भी फेक है, सिर्फ एक्सीडेंट था जब उनका पैर फ्लिप हो गया था और ये एक्सीडेंटली फ्लिप हुआ था, वह सुसाइड नहीं करना चाहते थे। एंड जब बातें कर रहे हैं ये इमोशन स्ट्रेस वाली, तो हाँ मान सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए उनको इमोशन स्ट्रेस हुआ था, बाद में वह बिल्कुल ही नॉर्मल हो गए थे। एंड गाइस, सुसाइड वाली बात को तो आप मत ही मानिए क्योंकि ये वाली बात एग्जिस्ट नहीं करती है एंड ये वाली बात सिर्फ फेक है। हाँ, ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई है कि उन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन वे सुसाइड नहीं करना चाहते थे एंड उन्होंने सुसाइड करी भी नहीं थी, उनका पैर एक्सीडेंटली फ्लिप हुआ था। एंड बाकी आपकी मर्जी, आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपको पता होगा। अपने व्यूज़ इस वीडियो के रिगार्डिंग जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, मैं भी जानना चाहता हूँ। एंड गाइस, अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझको इंस्टाग्राम के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पर मैं आपका डाउट बहुत ही जल्दी सोल्व कर दूंगा। एंड अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में शेयर करना, क्योंकि जितने कमेंट आएंगे, जितने इस वीडियो को लाइक आएगा, जितने इस वीडियो पर व्यूज़ आएंगे, उतनी वीडियो ये रिकमेंड होगी। सो गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगा न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।